हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमेट। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिस्टम एनालिसिस मॉडल या सरन मॉडल के बारे में। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है करिकुलम स्टडीज से और ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमडीयू के करिकुलम स्टडीज में यूनिट 4 में, ठीक है, एमेट के। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको जल्दी से पढ़ते हैं। और इसके पढ़ने के बाद और जो मैंने 3 मॉडल कल पढ़ाए थे, आधा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा यूनिट 4 का, फिर कोई और यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो अप्लाई कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन की तरह काम करता है सब्सक्रिप्शन। चलो, तो सिस्टम एनालिसिस मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो सिस्टम एनालिसिस एक अलग टेक्निक है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज़्यादा प्रचलन में आई। सिस्टम एनालिसिस हर एक फील्ड में आई, ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ों को माना गया एक सिस्टम की तरह कि सभी चीज़ों में इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है, ठीक है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो जब इनपुट अच्छे से होता है और प्रोसेस अच्छे से होता है तो उन दोनों का रिजल्ट या आउटपुट अच्छा ही निकलता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम एनालिसिस के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के उसमें पढ़ा दूंगा। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिस्टम एनालिसिस अप्रोच के बेस पे वाई सरन ने सिस्टम एनालिसिस मॉडल दिया था करिकुलम डेवलपमेंट का, ठीक है, क्योंकि शिक्षा भी क्या है, एक तरह से सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम में मतलब एजुकेशन में इनपुट अच्छा होता है और प्रोसेस अच्छा चलता रहता है तो उसका आउटपुट भी अच्छा ही निकलता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे वाई सरन के मॉडल के बारे में और ओवरऑल सिस्टम एनालिसिस अप्रोच क्या होती है अपने आप में, उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो जो सिस्टम एनालिसिस मॉडल था वो दिया था वाई सरन ने करिकुलम डेवलपमेंट का, क्योंकि सिस्टम एनालिसिस अलग अलग फील्ड में भी होती है। तो सिस्टम एनालिसिस मॉडल जो करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल है वो दिया था वाई सरन ने 1976 में, और इसीलिए इस पर्टिकुलर करिकुलम मॉडल को कहते हैं सरन्स मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। ये मॉडल सिस्टम अप्रोच पे बेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया सिस्टम अप्रोच में क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो जब आउटपुट आता है तो उसको एनालाइज किया जाता है और अगर उसमें चेंज या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो फिर से सभी चीज़ों को मॉडिफाई किया जाता है और उसको चेंज किया जाता है ताकि हमें आउटपुट अच्छे से मिले। और इस मॉडल का मेन एम्फेसिस या किस चीज़ को एम्फेसाइज करता है, ये एम्फेसाइज करता है ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स भी किस तरह से, बिहेवियरल टर्म मतलब कि एक पर्टिकुलर कोर्स के ख़त्म होने के बाद बच्चों में कुछ बिहेवियरल चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। तो ये इसी ऑब्जेक्टिव को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखता है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें याद करते जाना। देन बेसिक एजम्पशंस क्या हैं इस मॉडल की, तो ये मानता है कि कोई भी करिकुलम हो सभी में चेंजेस या मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत हमेशा रहती है, कि क्योंकि कोई भी करिकुलम अपने आप में कंप्लीट या परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और जो नया करिकुलम बनता है उसमें भी क्या है, इम्प्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं हमेशा, और इसीलिए ओवरऑल प्रोसेस क्या एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब जिसमें बदलाव, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, चेंजेस होते ही रहते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, इसमें 3 एस्पेक्ट सबसे ज़रूरी हैं, इनपुट, प्रोसेस और उसका आउटपुट या प्रोडक्ट क्या निकला है, जो कि करिकुलम को मॉडिफाई करने में या करिकुलम को इवेलुएट करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। यही इसके ज़रिए समझते हैं। तो करिकुलम डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इनपुट से क्या होगा, करिकुलम कंस्ट्रक्शन होगा। देन है प्रोसेस का मतलब ही क्या है, कि जो भी करिकुलम कंस्ट्रक्ट हुआ है वो इम्प्लीमेंट कितनी अच्छे से हो रहा है, मतलब प्रोसेस कितनी अच्छे से चल रही है। और अगर इनपुट अच्छा है, प्रोसेस अच्छा है तो उसका आउटपुट भी अच्छा होगा, और इसमें क्या है, हम करिकुलम को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। और अगर किसी स्टेप में गड़बड़ है तो प्रोसेस में भी गड़बड़ होगी और उसके आउटपुट में भी गड़बड़ होगी, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर से वो स्टेप दोहराए जाएंगे, उनमें मॉडिफिकेशन होगा, मतलब फिर से हमें करिकुलम के नए ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, है ना, फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा उसका, उसको फिर से अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसको फिर से
इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। और ये कब होगा, जब हम अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करेंगे, उसी के बेस पे करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसी के बेस पे सभी प्रोसेस चलती रहेंगी, ठीक है। जब ये सभी चीज़ें अच्छे से होंगी तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएंगे और इवेल्युएशन स्टेप भी अच्छा ही होगा, तो ये एग्जाम में बनाना आप। चलो देन आते हैं इनपुट एस्पेक्ट में, बेसिकली होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं हर एक लेवल पे, हर एक ग्रेड पे, हर एक एजुकेशनल लेवल पे, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल दैट काइंड ऑफ थिंग, तो उस पर क्या है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा या जो भी एक्सपर्ट हैं अलग अलग फील्ड में, वो क्या देखते हैं, लर्नर्स की नीड देखते हैं और बेसिकली जो नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी के बेस पे कंटेंट का सेलेक्शन होता है। तो इनपुट एस्पेक्ट में या इनपुट प्रोसेस में ये चीज़ें होती हैं। और क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, और कंटेंट डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव्स को आइडियलाइज किया जाता है, कंटेंट को सेलेक्ट किया जाता है और करिकुलम का फॉर्मेट डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इनपुट में। चलो देन है आउटपुट एस्पेक्ट, तो इसमें क्या होता है, इवेल्युएशन होता है और अदर एस्पेक्ट्स जो भी हैं आउटपुट प्रोसेसेस के वो होते हैं। आउटपुट प्रोसेस से और क्या होता है, जो भी हमारा इनपुट है ना और जो प्रोसेस है वो भी अपने आप डिसाइड होते हैं हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग। सपोज हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए क्या होगा, हमारे इनपुट भी चेंज होंगे और प्रोसेस भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे, राइट। तो जो भी हमारा आउटपुट आने वाला है उसी के अकॉर्डिंग हमारे इनपुट भी चेंज होंगे और हमारी प्रोसेस भी चेंज होगी, ठीक है। इसीलिए सारे स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इवेल्युएशन स्टेप में क्या होता है, रिजल्ट्स को इवेल्युएट किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए। अगर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो कैरी ऑन चलने दो, है ना। अगर नहीं चल रहा है या कोई गड़बड़ है, ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हुए, देन इनपुट या प्रोसेस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये इम्प्रूवमेंट है यार, ठीक है, जल्दी जल्दी में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। और आउटपुट को हम कह सकते हैं कि डायग्नोसिस की तरह काम करता है कि कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, ताकि हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। चलो देन ग्रोथ प्रोसेस, कि किस तरह से सभी चीज़ें होती हैं इनपुट से लेके आउटपुट तक। तो सबसे पहले है सर्वे किया जाता है कि ज़रूरत क्या है, है ना, असेसमेंट मतलब देखा जाता है कहाँ पे सोसाइटी में कंट्री में किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर कंट्री लेवल पे बात है तो कंट्री लेवल पे, स्कूल लेवल पे बात है या लोकल नीड की बात है तो उस लेवल पे सभी कुछ चेक किया जाता है, सर्वे किया जाता है। असेसमेंट क्यों होता है, फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि अगर आज बच्चा प्राइमरी में है तो हम मान के चल सकते हैं कि 20 साल तक वो पढ़ेगा और 20 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, तब की फ्यूचर नीड्स को देखते हुए शिक्षा की जो पॉलिसीज हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए फ्यूचर नीड्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन ये सब चीज़ हो गई तो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होते हैं, इनपुट एस्पेक्ट स्टार्ट हो गया। देन ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में स्पेसिफाई किया जाता है कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, राइट। अब जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए, स्पेसिफाई भी कर लिया हमने, अब कंटेंट सेलेक्शन की बारी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी या एक्सपर्ट्स की मदद ली जाएगी जो भी अलग अलग फील्ड में हैं करिकुलम से रिलेटेड। देन डिज़ाइन किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है इवेल्युएशन सिस्टम को कि किस तरह से हम उसको चेक करेंगे करिकुलम को, ठीक है। देन है रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। रिसोर्स में क्या है, मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों, ह्यूमन एंड मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस। देन है जब ये चीज़ें होंगी तो अब हम इसको ट्राई आउट करेंगे, जो भी नया मॉडल है ना करिकुलम का उसको चेक करेंगे कि ठीक है या नहीं है, और फिर उसका क्या होगा, रिव्यू होगा या हम कह सकते हैं उसका एनालिसिस होगा, ठीक है। और अगर ये चीज़ें अच्छे से नहीं चल रही हैं तो फिर से हम यहाँ से पहले वाले स्टेप पे चले जाएंगे। अभी हम मॉडल के जरिए देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। चलो ये सबसे ज़रूरी स्टेप्स ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सर्वे फॉर नीड असेसमेंट और असेसमेंट फॉर फ्यूचर नीड। तो इनसे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। ये तो क्या है, ब्रॉडर टर्म में जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन इनको हम स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक करेंगे पर्टिकुलर ग्रेड के लिए, पर्टिकुलर लेवल्स के लिए। और यहीं पे क्या होगा, कंटेंट का भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये क्या है, इनपुट स्टेप है।
देन इनके बेस पे क्या होगा, प्रोसेस पे आएंगे, रिसोर्स डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, मैन पावर के बेस पे, मटेरियलिस्टिक मटेरियल रिसोर्स के बेस पे। देन हम ये भी आउटपुट एस्पेक्ट भी डिजाइन करेंगे कि इवेल्युएशन सिस्टम कैसा हो, ये सब चीज़ें हो गई। देन इसका हम ट्रायल करेंगे, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे कि कैसा सब कुछ हो रहा है। देन ट्रायल करने के बाद कुछ रिजल्ट सामने आएगा, उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। और एक स्टेप में भूल गए यहाँ पे, जब ये ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई कर रहे थे तो इसको वैलिडेट कौन करेगा, वैलिडेट जो भी हमने फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसके बेस पे इन ऑब्जेक्टिव्स को वैलिडेट किया जाएगा, मतलब उसको वैध किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी समझ लेना आप। अब यहाँ पे एनालिसिस स्टेप पे आ गई, तो एनालिसिस स्टेप से क्या होगा, अगर चीज़ें अच्छे से नहीं चल रही हैं तो हम फिर से यहाँ पे चले जाएंगे, फिर से वही स्टेप दोबारा होंगे और फिर से बाकी चीज़ें भी दोबारा होती रहेंगी, क्योंकि हमें पता है कोई भी करिकुलम कंप्लीट नहीं है, कोई भी करिकुलम परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, और ये सरन मॉडल है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। सिस्टम एनालिसिस अपने आप में एक अलग चीज़ है, सिस्टम एनालिसिस को यूज करके ही सरन ने ये करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल दिया था, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस में अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अलग से ही टॉपिक है, ठीक है, और इसको भी अंडरस्टैंड करना समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सरन मॉडल ख़त्म हुआ, जो कि सिस्टम एनालिसिस के बेस पे है, क्योंकि सिस्टम एनालिसिस अगर आता है तो आपको ये मॉडल बनाना पड़ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्क्स, के कितने मार्क्स का है। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।